अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। इनका था जी एनुअल स्पोर्ट्स डे। पहले बनाते हैं बिरयानी और उसके बाद चलते हैं इनके स्पोर्ट्स डे पे। जी ये मैंने राइस बॉईल करने के लिए पानी जब रखा है, तो पानी में अगर हम गर्म मसाला जो है खड़ा मसाला ये डाल देना, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है चावलों में से। इसमें मैंने डाला था जी तेज़पात, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, बादियान के फूल, जायफल, जो जो आपके पास गरम मसाला अवेलेबल हो आप इसमें डाल दें। और जब चावल डाल गया पानी में, तो उसमें 2 लेमन भी मैंने डाले थे, लेमन जूस उसमें ऐड किया था, उससे जो है चावल बहुत खिले खिले से बनते हैं। जब तक हो रहे हैं जी चावल बॉयल, तब तक इसका चिकन रेडी कर लेते हैं। ये 2 प्याज ली थी मैंने और इसको ऑयल में ये गोल्डन ब्राउन कर लिया था, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना कि फिर जले हुए की स्मेल आती है। उसमें चिकन डाला और उसको 5 से 7 मिनट तक उसमें अच्छे से भून लिया। फिर दही में जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है सारे मसाले आप इसमें डाल लें। मैंने लहसुन अदरक इसी में डाल लिया था ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए, उसमें हर चीज़ डाल ली थी। और धनिया का पाउडर, ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा बिरयानी मसाला भी इसमें ऐड किया था। यानी फुल इसमें बिरयानी मसाला मैंने नहीं डाला, इसमें अपने जो हैं घर के मसाले वो ज़्यादा ऐड किए थे। बिरयानी मसाला सिर्फ फ्लेवर के लिए मैंने इसमें ऐड किया था। 5-7 मिनट चिकन को भूनने के बाद ये चिकन अपना पानी भी छोड़ेगा, उसके बाद जो है टमाटर और हरी मिर्चें इसमें ऐड कर देंगे और उसको फिर अच्छे से भून लेंगे। और जब टमाटरों का पानी भी खुश्क हो जाए, तो इसमें डाल दें दही जिसमें सारे मसाले जो हैं मिक्स करके रखे हुए थे। बस फिर सारे मसाले ऐड किए और चिकन के गलने का इंतज़ार किया। जब चिकन हो गया रेडी, तो अब आगे लेयर्स की बारी। फिर लगाई जी इनकी लेयर्स चिकन की और चावलों की। आय हाय, मज़ा आ रहा है देख के, इतना मज़ा आ रहा है, मुँह में पानी आ रहा है। बहुत ही मज़े की बनी थी ये बिरयानी, बहुत टेस्टी बनी थी, ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं थी, ज़्यादा फीकी भी नहीं थी, बहुत ही मज़े की थी। ये जी मैडम, छोटी वाली मैम जो है बैठी हुई है, ये हाउस है। हाउस कौन सा है? ये। अच्छा ये हाउस है, वाओ। अभी हम इसे ब्राउन कलर का देते हैं, अब हम पर्पल कलर ले ले हैं। ऑरेंजेस खा के आई है मैम, है ना, दिखाएं खाने जाके। बिरयानी को जब तक दम पे रखा था, तो इनको देखने के लिए चली गई थी कि अंदर हो क्या रहा है। जी ये हमारी बिरयानी जो है बिल्कुल रेडी है, बहुत ही मज़े की। और ये जी हम पहुंच गए थे इनके स्पोर्ट्स डे पे एट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ था। इनके कुछ गेम्स के जो है शॉर्ट क्लिप्स मैंने जो बनाए थे, वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आपको भी बहुत अच्छा लगेगा ये देखकर। और ये प्री नर्सरी के स्टूडेंट्स थे, छोटे छोटे से बच्चे थे। और ये देखें जी, इन्होंने रस्सा खींचना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग था ये। इन बेचारों में जान कहाँ थी, कहाँ इन्होंने ये रस्सा खींचना था।
और एक बच्चा तो बहुत ही वो फनी लगा कि अपनी ही टीम की तरफ से रस्सा खींच रहा था, उसको ये समझ नहीं लग रही थी कि मैंने किधर से खींचना है। शायद आप बीच में देख सकें। और फिर जी ये आ गई उर्वा की गेम, उर्वा की टर्न आ गई। ये बहुत देर धूप में खड़े रहे थे तो बहुत लेज़ी हो गए थे बच्चे, वेट करते करते लग रहा था अभी इन्होंने गिर जाना है। बस जी हम लोग उधर से हो गए थे फ्री, और आयज़ा उर्वा के बाबा ने कहीं काम जाना था तो आयज़ा उर्वा ने फिर वहीं पर बाहर पर इंजॉय कर लिया। बड़ा अच्छा मौसम भी हो रहा था, ना धूप थी बहुत तेज़ और ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी थी, बहुत अच्छा मौसम था। और वहाँ पर जी मैंने इंजॉय किया खूब। आप जी बाबा जब आए तो वह भी फिर बच्चों के साथ बन गए बच्चे। मुझे तो ये पत्ते बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन मैंने वीडियो में ही मुझे आवाज़ आई कि ये कितना इतनी सुरीली आवाज़ में मोटरसाइकिल का बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है। उस टाइम तो मैंने नोटिस नहीं किया, लेकिन अब बड़ा ही नोटिस हो रहा है। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।